हेलो गेमर्स, कैसे हैं आप लोग? यहाँ सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम करने वाले अपने रिफर्बिश्ड आईफोन 13 का यहाँ पर भाई 1 मंथ के बाद रिव्यू, और भाई चेकआउट करेंगे यहाँ पर हमारे फ़ोन के अंदर कैसे कैसे प्रॉब्लम आ रही हैं और भाई हमारा फ़ोन कैसे वर्क कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर ब्लैक कलर का आईफोन 13 है रिफर्बिश्ड, जहाँ पर मैंने भाई कैशिफाई से ऑर्डर करा था। वैसे गाइस, यहाँ पर इस फ़ोन को 1 मंथ हो चुका है, मैंने यहाँ पर भाई 1 मंथ पहले परचेज करा था। तो यहाँ पर आप बैटरी वगैरह, हेल्थ वगैरह चेकआउट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर भाई वेरिएंट भी आप चेकआउट कर सकते हो, 6GB 128GB मेरा भाई वेरिएंट है। और भाई अगर इसकी फ़ोन की बैटरी हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 88% मेरी बैटरी हेल्थ यहाँ पर हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर हम गेम वगैरह की बात करें तो यहाँ पर आप 6 FPS के अंदर इस फ़ोन के अंदर खेल सकते हो। मैक्सिमम इसमें आप भाई HDR पर एक्सट्रीम और भाई अल्ट्रा HD पर अल्ट्रा तक खेल सकते हो। और भाई यहाँ पर मैं स्मूथ पर एक्सट्रीम रख के खेलता हूँ, जिससे यहाँ पर मेरा लैग वगैरह थोड़ा कम हो। वैसे क्या, इस फोन में आपको कोई भी लैग वगैरह का इशू देखने को नहीं मिलता, लेकिन भाई आप फिर भी स्मूथ प्लस अल्ट्रा खेलने की, भाई आपको पता है आजकल आपके भाई गेम में कितने भाई सर्वर ग्लिच चल रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर आपका फ़ोन बिल्कुल भी सही से वर्क नहीं कर पा रहा है। इस वजह से यहाँ पर आपको भाई स्मूथ पर एक्सट्रीम रख के खेलना चाहिए। बाकी भाई रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ पर मैं 4K 60 FPS में इस गेम प्ले को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पर आप स्मूथनेस चेकआउट कर सकते हो, आपको भाई कोई भी लैग वगैरह का इशू देखने को नहीं मिलता 4K 60 FPS की रिकॉर्डिंग होने के बावजूद भी। तो यहाँ पर आप एक्सपीरियंस वगैरह देख सकते हो। और भाई अगर आप इवेंट वगैरह में कूदते हो तो यहाँ पर आपको मिनिमम भाई यहाँ पर आपके 59 तक FPS जा सकते हैं, 58 तक भी जा सकते हैं, और भाई मैक्सिमम आपके 60 FPS कॉन्स्टेंट रहने वाले हैं इस वाले फ़ोन के अंदर। तो बस सबकी बात करेंगे तो गाइस वीडियो काफ़ी ज़्यादा OP होने वाली है। बस आपको भाई वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को ऐसे इस वीडियो के लिए। बाकी भाई बिना किसी टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करें, क्या भाई आपको ये फ़ोन यहाँ पर 2024 के अंदर परचेज़ करना चाहिए, और भी रिफर्बिश्ड कैशिफाई से अगर आप ऑफलाइन स्टोर से परचेज कर सकते हो? तो भाई मेरा यहाँ पर जवाब रहेगा भाई हाँ, परचेज़ कर सकते हो, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अगर मैं फ़ोन की प्राइसिंग की बात करूँ तो ये आपको भाई 35K से 40K के अंडर आराम से देखने को मिल जाएगा, कैशिफाई से परचेज करते हो या फिर भाई ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर से परचेज करते हो तो यहाँ पर आपको इतने प्राइस के अंदर तो आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। लेकिन भाई अगर आप यहाँ पर सोच रहे हो कि भाई 30K तक मिल जाएगा, वो आपका नहीं होने वाला, क्योंकि भाई 30K में आपको ये फ़ोन में कभी नहीं मिलने वाला, अभी के डेट में तो नहीं मिलने वाला, आगे मिल सकता है वो बात अलग है। लेकिन भाई देखो, फ़ोन की बात करें तो यहाँ पर मुझे 1 महीने के बाद देखो ऐसे गेम में कोई लैग वगैरह का इशू तो नहीं हुआ, कि आराम से आप गेम वगैरह खेल सकते हो। बाकी भाई कैमरा वगैरह भी काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है इस फ़ोन का, वीडियो रिकॉर्ड भी आप कर सकते हो, फोटो वगैरह भी आराम से क्लिक कर सकते हो, कैसे भी आप भाई एनवायरमेंट में करो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी भाई बैटरी की बात करें तो भाई बैटरी इसकी फ़ोन की अच्छी तरीके से वर्क करती है, आपको भाई इसमें बैटरी की भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर भाई मैं कंपेयर करूँ आईफोन 11 और 12 की बैटरी से तो इस फ़ोन की बैटरी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि भाई आपको पता है 11 12 की बैटरी इस टाइम कैसी वर्क कर रही है, बिल्कुल भाई बेकार टट्टी हो चुकी है भाई उनकी बैटरी, क्योंकि भाई आपको पता है उनकी बैटरी मुश्किल से आपके 2 घंटे ज़्यादा नहीं चल पाती, और इस वाले फ़ोन की बैटरी भी कम से कम 3-4 घंटे तक चल जाती है गेमिंग के अंदर भी। तो भाई ये भाई रियलिटी है आजकल भाई आईफोन 13 की और भाई 12 और 11 की, ठीक है भाई। बाकी अगर हम बात करें भाई अपने गेमिंग की, तो यहाँ पर आप गेमिंग वगैरह अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो भाई सबसे पहले बात करें स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, तो इस वाले फ़ोन में आप 4K 60 FPS की रिकॉर्डिंग तक कर सकते हो, और भाई मेरी माना तो यहाँ पर आपको 1080p 60 FPS की रिकॉर्डिंग करनी, क्योंकि भाई अगर आप 4K रिकॉर्डिंग करते हो तो यहाँ पर आपका फ़ोन काफ़ी जल्दी हीट हो जाता है। अगर आप यहाँ पर आप 40% बैटरी से भी खेलते हो तो आपका फ़ोन जल्दी से हीट हो जाएगा, जो यहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस को गिरा सकता है गेमिंग की। इसलिए यहाँ पर आपको अगर रिकॉर्डिंग वगैरह करनी है तो यहाँ पर आप 1080p 60 FPS की रिकॉर्डिंग कर सकते हो, आपको कोई भी हीटिंग वगैरह इशू देखने को नहीं मिलेगा। बाकी अगर आप यहाँ में खेलते हो तो यहाँ पर आपको इतना इस फ़ोन में हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलता, ब्राइटनेस भी आपको जल्दी से नहीं करती। तो यहाँ पर आप आराम से इसमें गेमिंग वगैरह कर सकते हो बिना रिकॉर्डिंग के। रिकॉर्डिंग में करोगे तो यहाँ पर आपको बस 4K अवॉइड करने की, भाई 4K में आपको जल्दी फ़ोन हीट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि भाई आपको पता है भाई आज की गर्मी का टाइम चल रहा है, तो यहाँ पर आपको फ़ोन जल्दी से हीट वैसे भी हो जाता है अगर आप यहाँ पर नॉर्मली भी खेलोगे तो। तो अब आपको इस बातों का ध्यान रखना है। बाकी भाई देखो, 1 मंथ के बाद मुझे ऐसा कोई गेम में लैग वगैरह का इशू नहीं हुआ, जो भाई मेरा यहाँ पर मुझे लैग वगैरह का इशू देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर सर्वर की वजह से हो रहा है, क्योंकि आपको पता है भाई BGMI 3.2 के अपडेट में आपको भाई कितने ज़्यादा सर्वर ग्लिचेस और भाई पता क्या क्या देखने को मिल रहा है, जिस वजह से आपका फ़ोन बिल्कुल भी अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है। तो भाई वो तो भाई पता नहीं कब तक सर्वर अपना भाई ठीक करेंगे। लेकिन भाई अगर मैं नॉर्मली गेमिंग की बात करूँ तो यहाँ पर आप गेमिंग अच्छी तरीके से इस फ़ोन में कर सकते हो, आपको भाई कोई भी यहाँ पर लैग वगैरह का इशू फ़ोन में देखने को नहीं मिलने वाला। 1 मंथ के बाद भी भाई फ़ोन की जो भाई परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करती है, अभी तक मुझे यहाँ पर कोई भी बग वगैरह का इशू देखने को नहीं मिला फ़ोन के अंदर। बाकी भाई देखो, बात करें रिकॉर्डिंग की, तो यहाँ पर आपको बस 4K अवॉइड करनी है। और भाई दूसरे टॉपिक की बात करें भाई बैटरी की, तो यहाँ पर आपको जो इस फ़ोन की बैटरी है भाई काफ़ी अच्छी तरीके से देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर अगर मैं गेमिंग की बात करता हूँ तो यहाँ पर आप 3-4 घंटे तक इस फ़ोन में नॉन स्टॉप गेमिंग कर सकते हो। और बैटरी डेली यूज़ की बात करें तो यहाँ पर आप आराम से इस फ़ोन को 7-8 घंटे तक चला सकते हो, बिना गेम खेले आराम से चल जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली।
तो गाइस जब यहाँ पर मैं इस फ़ोन में गेमिंग करता हूँ अपने भाई कूलर वगैरह के बिना, तो भी यहाँ पर मुझे कोई भी ऐसा मतलब लैग वगैरह का इशू देखने को फ़ोन में नहीं मिलता। हाँ, आपका फ़ोन थोड़ा बहुत हीट हो जाता है, लेकिन भाई लैग वगैरह का इशू देखने को नहीं मिलता। लेकिन भाई अगर आपको हीट से बचाना है तो यहाँ पर आपको फ़ोन वगैरह में खेलना चाहिए, क्योंकि भाई उसमें आपका फ़ोन कम हीट होगा, जिससे आपकी भाई जो परफॉर्मेंस है गेम की काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। और यहाँ पर आप भाई कैसी भी लोबी में खेलोगे तो यहाँ पर आपको कोई भी लैग वगैरह का इशू देखने को नहीं मिलेगा फ़ोन के अंदर। तो भाई ओवरऑल फ़ोन की बात करें तो अगर आपके पास यहाँ पर 30-40 हज़ार रुपये हैं तो यहाँ पर आप फ़ोन परचेस कर सकते हो, गेमिंग के लिए कर सकते हो। अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो उसमें तो आपका भाई काफ़ी अच्छी तरीके से फ़ोन वर्क करता है। बाकी भाई फ़ोन की बैटरी आपको भाई ठीक ठाक देखने को मिलती है, मतलब मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं कहता, ज़्यादा वीक भी नहीं कहता, मीडियम से कह सकता हूँ, डिसेंट बैटरी इस फ़ोन की वर्क करती है। क्योंकि भाई अगर आप कंपेयर करती हो 11 और 12 के कंपेरिजन में, तो भाई इस फ़ोन की बैटरी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है 11 और 12 के मुकाबले। तो भाई अगर आप बैटरी के लिए दिक्कत, जो कि आपको इसमें बैटरी की दिक्कत तो मेरे ख्याल से नहीं होने वाली, अगर आप यहाँ पर बैटरी के लिए परेशान हो तो। बाकी भाई अगर आप गेम पे लगा रिकॉर्ड करते हो तो यहाँ पर आप इजीली कर सकते हो, ज़्यादा आपको उसमें कोई भी लैग वगैरह इशू देखने को नहीं मिलता। लेकिन भाई आपको 4K अवॉइड करना है अगर आप यहाँ पर गेम पे रिकॉर्ड करना चाहते हो तो। और भाई वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पर आपको उसमें 128 देखने को मिलता है, कोई भी आपको 64 GB का स्टोरेज देखने को नहीं मिलता, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। आप इसमें आराम से 128 GB के मज़े ले सकते हो भाई, स्पेस की आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और भाई मेरी मानो तो यहाँ पर आप कैशिफाई को अवॉइड करके ऑफलाइन मार्केट से, मतलब ऑफलाइन स्टोर से परचेज करोगे तो यहाँ पर आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि भाई कैशिफाई वाले आपको कभी कभी यहाँ पर बैटरी हेल्थ भी बेकार पकड़ा देते हैं, और भाई आपको फ़ोन भी मतलब काफ़ी कभी कभी बेकार दे देता है। अगर यहाँ पर आप ऑफलाइन स्टोर पर जाकर परचेज करते हो तो यहाँ पर आपको बैटरी हेल्थ भी कम से कम 90% से अबव देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है एक आईफोन के लिए। तो भाई यही तब आज की वीडियो में, तो कैसे आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी भाई देखो आपको जैसे करना है तो आप कर सकते हो अगर आपके पास 30-40 हज़ार रुपये हैं तो। बाकी भाई हम मिलते हैं अपन नए के लिए, बाय बाय।